अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुसीबत टीवी पर खुश आमदीद। यहूदी आज हमारे घरों में मौजूद हैं और हमारी पूरी जासूसी कर रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, मुसीबत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। खुदा रब बचाए अपने घर की औरतों को इस यहूदी शैतानी फितने से, जिसको दज्जाल ने खुद मार्क जंगर बर्गर के साथ बैठ के बनाया है। व्हाट्सएप की मौजूदा अपडेट के बाद मुसलमान नौजवानों की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में व्हाट्सएप ने कहा है कि हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस दज्जाल खुद 3 नंबर वाली ऐनक लगा के पढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, मसला इस बात का आ रहा है, क्या दज्जाल दोनों आंखों पर शीशा लगाकर पढ़ता होगा, क्योंकि एक आंख से वो काना है। खुदारा बचाएं अपने बच्चों को व्हाट्सएप जैसे फितने से। इंटरनेट की फरावानी और शैतानी नेटवर्क्स की वजह से नौजवानों में बेहयाई और उरियानी फहाशी आम हो रही है। नौजवान इस वक्त मुल्क के लिए काम करने की बजाय व्हाट्सएप पर नामहरम लड़के लड़कियों से फहाश गोई करते हैं, जिसको अब दज्जाल पढ़ के खुश होगा, क्योंकि वो देखेगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त जब ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा है और इसराइल जो के धड़ाधड़ पंखे बना के मुसलमान मुल्कों में बेच रहा है, पंखे कैसे एक यहूदी फितना है, ये मुसीबत टीवी पहले बता चुका है। उस वक्त में हमारी औरतें अपने खावंदों की हिपत अपने फहाश सहेलियों से व्हाट्सएप पर करती है। यही वो फितना है जो चुगलियां करने के काम आता है। दोस्तों, जब हमारे घर की औरतें बेहिजाब हो के बाल खोल के काइली जेनर की लिप किट में से रेड कलर का मैट लिपस्टिक लगा के बेपर्दा तस्वीर किसी को भेजती है, तो वो सिर्फ वो सहेली ही उस तस्वीर को नहीं देखेगी, बल्कि दज्जाल खुद भी देखेगा और जूम करके देखेगा। इस बेपर्दगी को रोकने का वक्त आ गया है, इसलिए हमें अब अपने मोबाइलों से व्हाट्सएप डिलीट कर देना चाहिए, ताकि यहूदियों की चीखें निकल जाए और वो घुटनों के पल बैठ के आंसुओं से रोएं। व्हाट्सएप पर एक दूसरे को ये वाली तस्वीर कसरत से भेजें, ताकि दज्जाल को इल्म हो जाए कि हम उसके राज जान चुके हैं और उसके इरादे तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हर वीडियो वक्त से पहले मिलती रहे।